माँ देवी का जो केस है ना वो हम लोग के लिए संजीवनी है। कैसे संजीवनी है वो भी मैं बता देता हूँ। उमा देवी केस में ये था कि बैक डोर एंट्री से, जिनकी बैक डोर एंट्री हुई है उनको मतलब कहीं पर भी रेगुलाइज करने का प्रावधान नहीं है, वो जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। लेकिन हम लोग की बैक डोर एंट्री थी, आप लोग बताइए बैक डोर एंट्री हम लोगों का है। मैं बताना चाहूँगा पहले हम लोगों का पेपर भी पब्लिश हुआ कि एडवर्टीजमेंट की, चाहे हेल्थ इंस्पेक्टर्स हो, स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, इन सबका पेपर में पब्लिश हुआ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हम लोगों का हुआ, इंटरव्यू होने के बाद में जो जो बच्चे क्वालिफाई हुए उनका प्रॉपर रिजल्ट निकला, बकायदा वेटिंग लिस्ट भी 25% लोगों की निकलती थी वो भी निकली। निकलने के बाद में हम लोगों का मेडिकल हुआ, मतलब सेम प्रोसेस जो परमानेंट कोर्स के लिए होता था वो सेम प्रोसेस हमारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुआ। हम लोग कोई थर्ड पार्टी नहीं, हम लोग को रेलवे ने डायरेक्ट रिक्रूट किया। सबसे प्लस पॉइंट है कि हम लोग जो है यूनियन इस तरह से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी तक हम लोग को इस चीज़ की सफलता नहीं मिल पा रही। तो सर कुछ ना कहा था कि कोई यहाँ से केस कर रहा है, कोई दूसरे जोन से केस कर रहा है, कोई कहीं से केस, कोई यूनाइट नहीं था। सब अपने अपने आप में सब बिल्कुल बने हुए थे कि हमें लड़ना है, हम कर लेंगे। तुम्हें चाहे तुलसीराम जी हो, तुलसीराम जी बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, सिर्फ क्या मिला उनको वन मोर टाइम अपॉर्चुनिटी वोटिंग एग्जाम देने की, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने भी काफ़ी फाइट की, अकेले लड़े, बहुत लड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और कैट में, कोई डिसीजन नहीं, क्योंकि हम लोग इतना यूनाइट नहीं थे। हम लोग को यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि पैरामेडिकल हमारा क्या उद्देश्य है, वो मुझे बता सकता है हमारा उद्देश्य क्या है। हम लोग जो काम करते हैं इसके लिए करते हैं, हम लोग का मेन मकसद उद्देश्य है रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। हम लोगों की खुशी दूसरों की खुशी में, और हम लोग वही काम करते आए हैं। लेकिन ये ना गवर्नमेंट समझ रही है ना कोई समझ रहा है, लेकिन मैं ये सीटू यूनियन का इतना बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने हमें एक मंच पर लाने का काम किया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा देखिए, अब मैं कुछ थोड़े से डिस्कशन ये करूँगा कि जैसे मैं कल सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे मेरे नेशनल टीवी न्यूज वालों के एंकर से बात हुई थी कि सर ऐसा ऐसा हम लोग का कन्वेंशन हो रहा है, आप लोग आइए हमको थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो कह रहे देखिए, एक बंद कमरे में आप कोई भी कन्वेंशन करते हैं उसका कोई भी हल नहीं निकलने वाला। लेकिन हम लोग की आज जो क्या नाम है स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है, इसलिए आज हम लोग एक बंद कमरे में बैठे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कोई रिजल्ट निकले, गवर्नमेंट तक बात पहुंचे। हम लोग की बात गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाती। हमने सर ने कोशिश की, हेमलता मैम ने कोशिश की, जो जाके चेयरमैन से मिली विद इन अ वन मंथ, रमेश सर की बात हुई थी मीटिंग के लिए, उसके विद इन अ वन और टू मंथ के अंदर चेयरमैन से बात हुई। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी बात डायरेक्ट वहाँ पर पहुंची है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं जमीन पर उतर के हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब हमारा पसीना और खून सड़क पर जिस दिन गिरेगा ना, मैं वास्तव मैं मतलब वास्तविकता के साथ कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमारे आगे नहीं झुकी तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। और देखिए हम लोग का, हम लोग कितने अच्छे से काम कर रहे थे 2009 से काम कर रहे थे, तो 2018 के आसपास हम लोग का सेम के सेम वर्क जो है वो लागू हुआ कि इन लोग सभी को सेम के सेम वर्क मिलना चाहिए। तो सेम के सेम वर्क जिस दिन से हम लोग को मिला, तो जो भी रेगुलर स्टाफ थे ना उनको काटो तो ढूंढ नहीं, सिंपल सी बात है। जो रेगुलर स्टाफ था वो हम लोगों को कतई पसंद नहीं कर रहा था कि इन लोगों को कैसे दे दिया गया। तो हम लोगों के जो सबसे मेन, जो हम लोगों का मेन